आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शेफाली और आज की बड़ी खबर भोपाल से। सीबीएसई बोर्ड 12वीं की सप्लीमेंट्री की परीक्षा है और कई बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। खबर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 मैदा मिल की है। यहां पर कई बच्चे खराब मौसम, खराब सड़कों और सड़कों में गड्ढों के कारण कुछ सेकेंड देर से स्कूल में पहुंचे और स्कूल प्रबंधन ने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया, जिससे बच्चों को प्रवेश नहीं दिया। और जो बच्चे प्रवेश करके गेट के अंदर जा चुके थे, उनको भी एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचने नहीं दिया गया। कई बच्चे जिनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है, 12वीं की सप्लीमेंट्री की परीक्षा है और जो बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए थे, उनकी कुछ विषयों पर परीक्षा होनी थी, जिसमें स्कूल प्रबंधन की मनमानी है कि कुछ सेकंड की देरी के कारण भी उनको जाने नहीं दिया। स्कूल प्रबंधन ये भी समझने को तैयार नहीं है कि बच्चों के कुछ सेकेंड देर से आने का कारण बारिश, खराब मौसम, खराब सड़कें, गड्ढे, ये सब भी हो सकता है। लेकिन जो बच्चे हैं वो सिर्फ भोपाल के नहीं, आसपास क्षेत्र के भी हैं। बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, बच्चे रो रहे हैं, परेशान हैं। स्कूल के बाहर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि छात्रों के जो गार्जियन हैं वो कैसे परेशान हो रहे हैं। और स्कूल प्रबंधन सुनने को तैयार नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड सुनने को तैयार नहीं है, गेट नहीं खोलने दिया जा रहा है और बच्चे रो रहे हैं। उनका भविष्य दांव पर है, बच्चों की तकलीफ समझने के लिए यहाँ कोई तैयार नहीं है। और यहाँ खड़े होके जब मीडिया प्रबंधन ने फोन लगाया हमारे शिक्षा मंत्री प्रभु राम चौधरी को, तो वो फोन उठाने को तैयार नहीं हुए, कुछ कहने को कोई तैयार नहीं है। स्कूल प्रबंधन बाहर आने को तैयार नहीं है, किससे बात की जाए, कोई जिम्मेदार व्यक्ति वहां नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं बच्चों का प्रवेश पत्र है, 2 विषयों की परीक्षा उस बच्चे की है, कुछ सेकंड की देरी से आया है, वो बच्चा हाथ जोड़ रहा है, मिन्नतें कर रहा है, माता पिता परेशान हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और आप देख सकते हैं कि मात्र कुछ मनमानी प्रिंसिपल की कह सकते हैं, स्कूल प्रबंधन की कह सकते हैं कि बच्चों का 1 साल दांव पर लगा हुआ है। रो रहे हैं बच्चे, बिलख रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, माता पिता परेशान हैं। हो भी क्यों ना, बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है, पूरा साल खराब हो सकता है। हमारे सहयोगी सत्यम शर्मा वहां पर मौजूद हैं, आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं सत्यम। इस वक्त हम मौजूद है केंद्रीय विद्यालय भोपाल में, जहां आज सीबीएसई का सप्लीमेंट्री का पेपर होना था, जहां बच्चों को अंदर जाने से रोक दिया गया, 10 बजे का टाइम दिया गया था। हालांकि बरसात और मौसम खराब होने की वजह से दो चार मिनट बच्चे लेट हुए हैं, जिस वजह से उनको अंदर नहीं जाने दिया। उनके भविष्य का सवाल है, लेकिन प्रबंधन है कि मानने को तैयार नहीं है। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो अभी भी इस वक्त उस स्थिति में नहीं है, रोते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका बोलना है कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। प्रबंधन की सख्ती के चलते बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया, कम से कम नहीं तो यहाँ 10, 15, 25 बच्चे हैं जिनको अंदर जाने से मना कर दिया गया है। ये प्रबंधन की लापरवाही माने या कि इन बच्चों का भविष्य खतरे में रखकर ये प्रबंधन ऐसी हरकतें कर रहा है, ये हम बात करते हैं कुछ बच्चों से। क्या बोलना है सर? 10:02 पे हम यहाँ पर पहुंच गए, तो 10:30 लेटेस्ट टाइम दे रखा है इसमें, इसके बाद भी ये लोग गेट नहीं खोल रहे हैं। अब सर इतना मौसम खराब है, 150 किलोमीटर दूर से आए यहाँ पे भोपाल में, इतना ट्रैफिक है, रोड में गड्ढे, बारिश हो रही है, सुबह से 5 बजे चले सर, और कितना जल्दी करे, इसके बाद भी बारिश हो रही है, सुबह से इसके बाद भी इतनी दूर से बच्चे आए हैं। रोते हुए बच्चा बता रहा है कि वो 10:01 पर आ गया था और प्रबंधन ने यहाँ बुलाकर सबको 10:30 तक बुलाया, लेकिन अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। बच्चे दूर से आए हैं, इन मौसम के चलते ये बच्चे अंदर एंट्री नहीं कर पाए, इन लोगों को प्रबंधन जो है सख्ती दिखा रहा है और प्रबंधन अंदर नहीं जाने दिया, इनका भविष्य खतरे में। हमारे साथ कुछ हमारे भी शटर नहीं खोला है, 10:15 पे बच्चे जो है तो एंटर हो चुके थे, पर उसके बाद भी शटर नहीं खोला जा रहा है, बल्कि यहाँ पर बच्चे जो है तो 10:10 10:15 तक सभी आ चुके थे, और रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 10 बजे का है, 10:30 बजे से एग्जाम शुरू होने का टाइम है, उसके बावजूद भी ये लोग एंट्री नहीं दे रहे हैं। ये बच्चों के साथ अगर बच्चे इन फ्यूचर कभी इनका फ्यूचर खराब होता है और इस दबाव में आकर ये कभी कुछ गलत कर लेते हैं, सुसाइड वगैरह अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा?
और एक आध बच्चे नहीं और पूरे एमपी का इनको सेंटर दिया गया था। असल में ऐसा हुआ, हम लोग 10 बजे यहाँ एंट्रेंस था, 10-15 तक पेरेंट्स लोग एग्री है बच्चों को अंदर आने दिया गया है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स लोग ऐसे खड़े थे कि गेट मत बंद करिए, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, यहाँ से भाग रहे, वहाँ से भाग रहे, बच्चों को अंदर किया गया है। लेकिन वो फर्स्ट वार्निंग बेल पे उनको अंदर लिया गया, जिसमें बच्चों को पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 10:15 बजे। 10:30 बजे रिटर्न पेपर शुरू होता है, 15 मिनट बाद जो बच्चे लिखना शुरू करते हैं उसमें 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले यानी कि 10:20 और 10:25 के बीच में इतने बच्चे जो बाहर है गेट के वो आए हुए हैं, लेकिन उसके लिए भी हमने अनुमति मांगा है पर हम लोग को दिया नहीं गया है। आप देख सकते हैं जब भोपाल राजधानी का ये हाल है कि बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, एक तरफ हम शिक्षा को बढ़ाने का कर रहे हैं लेकिन एक तरफ देख रहे हैं कि एग्जाम देने के लिए बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हमारे साथ पेरेंट्स भी मौजूद हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बताइए आप क्या हुआ सर? आप स्टूडेंट हैं? मैं स्टूडेंट हूं सर, 10:10 पे यहाँ पे मैं पहुँच गया था, बस इन्हें अंदर नहीं आने दिया, बस 10:30 का एग्जाम शुरू होने का टाइम है, बस इन्हें अंदर नहीं आने दिया। अब क्या हुआ आप देख लीजिए। आप मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखा देना चाहता हूं कि जहां से एंट्री इनको रोकी गई है, ये स्कूल है, स्कूल में वहां अंदर देख सकते हैं आप कि बाहर भी बच्चे कुछ खड़े हुए हैं जिनको भी अंदर नहीं जाने दिया, सिर्फ यहां से बैठे हुए हैं, बेचारे रो रहे हैं, उनको कुछ प्रबंधन कोई ख्याल नहीं कर रहा है, प्रबंधन की कोई जवाबदारी नहीं बनती है। प्रिंसिपल ने साफ साफ बोल दिया है कि बच्चों को 10 बजे के बाद बाहर नहीं। आप देख सकते हैं मौसम इतना खराब है कि बहुत दूर से बच्चे आए, इस वक्त वो पहुँचने में स्कूल का भी पता करने में भी टाइम लगता है लोगों को, बच्चों को, लेकिन यहाँ से ताला जड़ा हुआ है। हमारे पीछे उन्होंने प्रबंधन ने सुरक्षा की व्यवस्था तो अच्छी खासी करके रखी है, लेकिन जिस कारण से बच्चे स्कूल में आते हैं, एग्जाम देने आते, पढ़ाई करने आते, वो बस कारण नहीं दिया जा रहा है, बाकी बच्चों को बाहर करके प्रबंधन अपनी शक्ति अपना रहा है। अब प्रभुराम चौधरी जी जो शिक्षा मंत्री हैं प्रदेश के, उनसे एक दरख्वास्त रहेगी कि बच्चों के भविष्य का कुछ किया जाए। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।